मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के इन जिलों के कलेक्टरों के तबादले, इन्हें मिली नई पदस्थापना, देखें लिस्ट। दोस्तों स्वागत है आपका एप न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों बता दें कि मध्य प्रदेश में जारी तबादलों के दौर में ट्रांसफर सूची लगातार जारी हो रही है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक और तबादला सूची जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों के तबादले कर उनकी नवीन पदस्थापना की है। मंत्रालय से जारी तबादला सूची में 2009 बैच के IAS अधिकारी राकेश सिंह और सत्येंद्र सिंह एवं 2010 बैच के IAS अधिकारी अनुराग चौधरी और 2015 की IAS अधिकारी अदिति गर्ग के नाम शामिल है। राज्य शासन ने राकेश सिंह की सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दायित्व से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदार्थ किया गया है। शासन ने राज्य राकेश सिंह को महिला एवं वित्त विभाग निगम की प्रबंधक संचालक स्वाति मीणा नायक के अवकाश के से वापस लौटने तक इस पद का भी अधिकार अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शासन ने नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल में पदस्थ अपर आयुक्त सत्येंद्र सिंह को सचिव मध्य प्रदेश शासन निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं अनुराग चौधरी को उप सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मछुआ कल्याण मत्स्य विकास विभाग में पदस्थ किया गया है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की उप सचिव एवं प्रबंधक संचालक महिला एवं वित्त विभाग विकास निगम अतिरिक्त प्रभार को संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बनाया गया है। लिस्ट आपके सामने है जिसमें आप देख पा रहे हैं, श्री राकेश सिंह सचिव को अपर सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का। वहीं सत्येंद्र सिंह को अपर आयुक्त को सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल का। श्री अनुराग चौधरी को उप सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विकास, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग का। सुश्री अदिति गर्ग को उप सचिव थी उनका मध्य प्रदेश में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन में पदस्थ किया गया है।